लगभग एक महीना हो गया हमारी लास्ट वीडियो को आए हुए। हमने एक महीने का प्रॉपर ब्रेक लिया है ये सोचने के लिए कि हम अगली वीडियो बनाए तो बनाए क्या। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आप तक जो हम अभी कंटेंट लेकर आ रहे हैं क्या वो अच्छा है या नहीं है, आप उसे देख भी रहे हैं या नहीं, उस पर व्यूज तो इतने आ नहीं रहे हैं, चैनल इतना ग्रो भी नहीं कर रहा है, आखिर हम कर क्या रहे हैं। इन सब सवालों को सोचते सोचते एक महीना कब बीत गया समझ नहीं आया, और फिर हमें लगा कि इन सवालों के ऊपर ही एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए, और इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। Hey guys, hello and welcome back to the Free Spoken Media. मेरा नाम है सनत श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे YouTube चैनल की स्ट्रगल्स को लेकर कि क्या कुछ चलता है एक छोटे यूट्यूबर के माइंड में जब वो YouTube के बारे में सोचता है, जब वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और जब वो ये सोचता है कि आखिर इस चैनल का होगा क्या। वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे चैनल को लेकर जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखें। और ऑफकोर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिले। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि एक छोटे यूट्यूबर की क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं। और सबसे पहला जो चैलेंज आता है मुझे लगता है वो है कंसिस्टेंसी का। हर कोई लिटरली यूट्यूब पे हर ग्रोथ चैनल, हर ग्रोथ हैकर एक ही चीज़ बोलता है, आपके चैनल को कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंटली वीडियोज रिलीज करनी पड़ेंगी तभी आप ग्रो कर पाएंगे। पर कंसिस्टेंट रहें तो रहें कैसे, कैसे ढूंढ कर लाएं अच्छा कंटेंट हर बार, कैसे हर हफ्ते वीडियोस रिलीज करते रहें। अपना भी तो काम है, अपनी डे जॉब्स हैं, अपनी स्कूलिंग है, अपने और भी काम होते हैं, इस सब के बीच में कैसे एक अच्छी वीडियो शूट करके उसे एडिट करके टाइम से रिलीज कर सके। ये स्ट्रगल बहुत बड़ी होती है और हम इसे समझते हैं, और इस स्ट्रगल के लिए एक सिंपल सरल उपाय भी है हमारे पास। चूज योर ओन पेस, आप अपनी गति अपने हिसाब से बनाएं, अपने हिसाब से निर्धारित करें। आप एक हफ्ते में एक वीडियो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक हफ्ते में एक से ज़्यादा वीडियो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप दो हफ्ते में एक वीडियो निकाल सकते हैं वो भी गलत नहीं है, तीन हफ्ते में निकालते हैं वो भी सही है, क्योंकि आपका चैनल है, आप अपनी गति से चलेंगे तो आप लाइफ के हर सर्कल में प्रॉपर परफॉर्म कर पाएंगे। और यूट्यूब पर रेगुलर होने का मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते जल्दी से जल्दी निकालो, रेगुलर होने का मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली वीडियोस निकालते रहो। अगर दो हफ्ते पे निकालते हो और दो हफ्ते में आराम से निकाल लेते हो तो दो हफ्ते पे निकालो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन एंड दैट इज आवर एडवाइस टू ऑल द स्मॉल यूट्यूबर्स, डोंट स्ट्रेस इट। योर कंसिस्टेंसी डिपेंड्स ऑन योर पेस, तो पेस डिफाइन करो, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। दूसरी स्ट्रगल एक छोटे यूट्यूबर की होती है डीमोटिवेशन। ऑफकोर्स बहुत आम सी बात है, जब आपका चैनल 100, 200, 300 या हमारी तरह 500 सब्सक्राइबर पे भी होता है तो आप डेली उठ के सोचते हो कि यार जिनका लाखों में सब्सक्राइबर बेस है उनके आगे हम क्या ही कर लेंगे। आफ्टरऑल टॉपिक जैसे ही मार्केट में आता है तुरंत तो उसके ऊपर वीडियो आ जाती है। हमारी वीडियो, क्योंकि हम अभी छोटे यूट्यूबर हैं, हमें टाइम लगता है एडिट करने में, हमारी वीडियो एक हफ्ते बाद आती है, तब तक तो हमारी वीडियो को कोई देखेगा ही नहीं क्योंकि सबने तो ऑलरेडी वीडियो देख ली है। इसी तरह से हम परेशान होते रहते हैं कि यार हमारे चैनल का क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कौन देख रहा होगा, अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या ये वर्थ भी है कि डेली हम उठ के चैनल पे वीडियो डालने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों बात समझो, आप अपने जीरो लेवल को किसी के 100 लेवल से कंपेयर कर रहे हो। आपने आज शुरू किया है, किसी ने तब शुरू किया था, हो सकता है उस टाइम पे सिचुएशंस डिफरेंट हो सकता है उनकी सिचुएशंस डिफरेंट हो सकता है उनके पास टाइम ही टाइम हो वीडियोस बनाने का और आपके पास वही एक दिन है संडे जिस दिन आप वीडियोस बनाते हो। हर किसी का सिनेरियो अलग है, हर किसी की ग्रोथ अलग होती है और आपकी ग्रोथ आएगी, बस दूसरों से कंपेयर करोगे तो नहीं आएगी। इसीलिए डीमोटिवेशन का जो सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन, उसको बीट करें, कंपेयर ना करें, अपनी यूएसपी ढूंढें कि आप क्या सबसे अच्छा करते हैं। जैसे हमारी यूएसपी जो मुझे लगता है वो ये है कि हम कैंडिडली बोल सकते हैं और आपके सामने एकदम जेन्युइन ओपन टू हार्ट कंटेंट लेकर आते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई यू मस्ट वॉच आवर वीडियोस। तीसरा बहुत मेजर स्ट्रगल जो एक छोटे यूट्यूबर को आता है और मुझे लगता है हर यूट्यूबर के दिमाग में सवाल होता है, ब्रेक नहीं लूंगा या ब्रेक लेने से मेरा चैनल खराब तो नहीं हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और मुझे एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन रिसर्च करने से मालूम पड़ा कि YouTube कभी भी ब्रेक लेने वाले क्रिएटर्स को हार्म नहीं करता है, उनके चैनल को ख़राब नहीं करता है, उसकी रेटिंग गिराता नहीं है। बस ये हो सकता है कि अगर आप ब्रेक लेने के बाद एक महीने बाद वापस आते हैं तब तक आपका सब्सक्राइबर बेस शायद कोई और तरह की वीडियोस देखने लग गया हो। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट के साथ स्ट्रांग हैं तो आप एक महीने बाद वापस आकर अपने सब्सक्राइबर बेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और वापस से जहां छोड़ा था वहीं से उठा सकते हैं। आपका प्रोग्रेस सेव हो जाता है जस्ट लाइक इन एनी गेम,
और YouTube उसे खराब नहीं करता है। तो ब्रेक लें, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है और ब्रेक लेने से कई बार काफी अच्छे आइडियाज आते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रगल है वो काफी सारी यूट्यूबर्स की होती है, इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बनी हुई है, फनी वीडियोस भी बनी हुई है, और मुझे लगता है छोटा यूट्यूबर सबसे पहले यही सवाल पूछता है, गियर इज इम्पोर्टेंट और नॉट। अब देखो, मैंने गियर में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग से गियर यूज़ नहीं किया। हाँ, जब जाकर मुझे लगा कि मेरे घर की लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं प्रॉपर वीडियोस बना पाऊँ, या फिर मुझे बनाते बनाते एक साल हो गया और मुझे लगा कि अब मैं 1,000-2,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने गियर में इन्वेस्ट किया। साफ सा जवाब इस क्वेश्चन का कि गियर इंपॉर्टेंट है या नहीं, यही है कि गियर इंपॉर्टेंट है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। आप गियर के बिना भी वीडियोस बना सकते हो। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने दोस्त हैं जो बिना किसी अच्छे गियर के, बिना किसी प्रॉपर लाइटिंग के, बिना किसी बहुत अच्छे हाई एंड फोन के वीडियोस बनाते हैं और उनके वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज हैं। अल्टीमेटली कॉन्टेंट मैटर करता है, ऑफकोर्स वीडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन उससे पहले आपका कंटेंट मैटर करता है। तो आपके पास कंटेंट अगर है और कंसिस्टेंसी है तो गियर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। मेरे मुताबिक ये कुछ चार चैलेंजेस थे जो हर छोटा यूट्यूबर फेस करता है। उसे डर लगता है ब्रेक लेने से, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं होती है, उसे गियर को लेके सवाल उठते हैं, और उसको डीमोटिवेशन तो इतना होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इस सबको बीट करने के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्रो टिप है जो मैं आपको देने वाला हूँ। इस प्रो टिप के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताऊंगा, तो वीडियो में थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, देख के जाइएगा। मेरा प्रो टिप ये है कि जब भी आपको अपने ऊपर डाउट लगे, जब भी आपको लगे कि यार मेरा चैनल कुछ कर भी पाएगा या नहीं, या फिर आखिर मैं क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इस सब का, तो अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछना कि जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तो क्या सोच के स्टार्ट किया था। जो आपका तब मोटिवेशन था ना, वही आपका आज का ड्राइव है। वो ड्राइव कहीं खो गया होगा, लेकिन अगर आप उसे वापस ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी ड्राइव मिल जाएगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे अपनी अगली वीडियोस बनाने के लिए। फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेजर अनाउंसमेंट है मेरे पास आपके लिए। दो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज, पॉडकास्ट विल बी कमिंग बैक। जी हाँ, वी विल सून बी रिलीजिंग पॉडकास्ट सीजन 2, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके बारे में अपडेट्स आगे आने वाली वीडियोस में आते रहेंगे। सेकंड मेजर अनाउंसमेंट इज दैट कि वी हैव कोलैबोरेटेड विद ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस, और हम उनका एक बहुत बड़ा इवेंट वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस कवर करने वाले हैं, जो कि 19 दिसंबर को होने वाला है। इसी के लिए हमने उनके काफ़ी दिग्गजों की और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर्स के इंटरव्यू लिए, जो कि आपको इस चैनल पे आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। वील बी रिलीजिंग देम फ्रीक्वेंटली सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट देम एंड यू कैन टेल अस कि क्या ये फॉर्मेट अच्छा है या नहीं। वील बी टेकिंग बाइट्स, वील बी टॉकिंग विद वेरियस पीपल एंड वील बी कवरिंग द एंटायर 19 दिसंबर शो। सो स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ दोज वीडियोज एंड डू गिव अस ऑल योर support. So that's it guys, that was the major announcement. If you like this video, do leave it a thumbs up. If you have something to say, mention it in the comments below, and of course subscribe to our channel for more such videos.